हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं राजेश सर आप सबका स्वागत करता हूं काबिल एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और जैसा आपको पता है कि 10th December को आप सबकी WBTET की परीक्षा होने वाली है। लास्ट ईयर 2022 में भी दिसंबर में परीक्षा हुई थी, इस साल भी 2023 में दिसंबर में ही परीक्षा हो रही है। और एक बहुत अच्छा न्यूज़ है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो बहुत ही रिलायबल पॉइंट ऑफ सोर्स से हमें प्राप्त हुई है, और इसलिए इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे यूट्यूब पे मैं आपको देना चाहता हूं। वो ये है कि आने वाले साल में यानी कि 2024 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है स्कूल में प्राइमरी, अपर प्राइमरी, 9, 10, 11, 12 जो SLST के द्वारा होता है, इन सब पे लगभग 58,000 यानी कि 58,000 पदों पे नियुक्ति करने जा रही है। जी हाँ, फ्रेश वैकेंसी निकलने जा रही है, जिसमें 2022 में जिन लोगों ने WBTET की परीक्षा पास की है और जो इस बार 23 में जो पास करेंगे, ये दोनों प्राइमरी में आने वाले वैकेंसी जो कि 2024 में आने वाली है, इसमें एलिजिबल है और इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो SLST की प्रक्रिया है यानी कि जो अपर प्राइमरी, आपको पता है कि अपर प्राइमरी जो 2015 की पेंडिंग केस थी वो निपटारा हो गया है, उसकी काउंसलिंग भी लोग जा रहे हैं, काउंसलिंग भी लगभग हो गई है, अपॉइंटमेंट मिल रहा है। तो इसके बाद अब फ्रेश वैकेंसी जो है वो आने वाली है SLST के लिए, अपर प्राइमरी की। प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों ही कोर्सेज जो है काबिल एकेडमी ऐप पे अवेलेबल है। WBTET का कोर्स जो काबिल एकेडमी ऐप पे अवेलेबल है, वहां पे सारे प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं जहां कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं है, साथ साथ थ्योरी और MCQ उसके PDFs अवेलेबल है आपके लिए। मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जो बहुत सारे मॉक टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं। इसके अलावा जो उर्दू भाषी के लोग हैं, जो नेपाली भाषा के लोग हैं, उनके लिए भी वहाँ पे थ्योरी, MCQ और मॉक टेस्ट के सारे PDF हमने अवेलेबल करवा दिए हैं। हिंदी और इंग्लिश की PDF जल्दी ही वहाँ पे अपलोड हो जाएगी, पूरी अपलोड हो जाएगी। तो बिल्कुल भी आप इसकी चिंता ना करें, ऐप से कोर्स ले लें और सुकून से वहाँ पे पढ़ाई करें, ठीक है। क्योंकि आने वाले समय में जितने भी मैराथन्स और सजेशंस वीडियोस होंगे वो हम यूट्यूब पे नहीं दे पाएंगे, संभव नहीं हो पाएगा, वो हमें बैच में देना होगा। तो बेहतर है बैच ज्वाइन करें, और बहुत 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 ही लाइफ टाइम मिनिमम प्राइस पे जो है वो अवेलेबल है, आप वो ले सकते हैं। अदरवाइज अगर चाहें तो यूट्यूब पे कर सकते हैं, यूट्यूब पे आपके किसी वीडियो अवेलेबल है। लेकिन बाकी जो बहुत सारे वीडियो जो अंत में आने वाली है, जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बनाएंगे, लास्ट ईयर जो हमने बनाया था जहां से 80% से अधिक क्वेश्चंस कॉमन आया था, ऐसे वीडियो जो है बैच पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं ऐप पे। आज का जो क्लास है वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि एनवायरमेंटल स्टडीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। लास्ट ईयर 70 दिन ही हम लोग को मिले थे स्ट्रेटजी करने के लिए, इसलिए हम लोग लास्ट ईयर हम थ्योरी की वीडियो नहीं दे पाए थे। इसके ऊपर भी हमने MCQ का वीडियो आप लोग को दिया था, और ये तो अच्छी बात है कि जो MCQs हमने कराए थे, जो मैराथन और हमने सजेशंस करवाए थे, जो ब्रह्मास्त्र नाम की वीडियो कराई थी, वहां से काफी क्वेश्चंस कॉमन आ गए थे। इस बार हम वेस्ट मैनेजमेंट पे भी थ्योरी क्लासेस भी दे रहे हैं। आपको पता है फिजिकल एनवायरनमेंट और उससे जुड़े हुए और 5 लेसन जो कि WBTET के सिलेबस में है, हमने क्लास नंबर 5 में ऑलरेडी दे दिया है। ये क्लास नंबर 6 है। हाँ, MCQ उसकी देंगे, पहले हम थ्योरी पोर्शन करा देंगे, उसके बाद उसकी MCQ आ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, WBTET के सिलेबस में आपका लिखा हुआ है वेस्ट मैनेजमेंट, आप देख सकते हैं, जहां हम लोग कैसे ये जो कूड़ा होता है, जो कूड़ा आपके घर से निकलता है, लोकेलिटी से निकलता है, कम्युनिटी से निकलता है, इंडस्ट्री से निकलता है, माइनिंग से निकलता है, ओशियन से निकलता है, एग्रीकल्चर से निकलता है, कहीं से जो कि अनवांटेड चीजें हैं, इसे कैसे मैनेज किया जाता है, और इससे जुड़ी ही बहुत सारी बातें जो आपके WBTET के इस साल के एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि लास्ट ईयर यहां से उतने सारे क्वेश्चंस, यहां से क्वेश्चंस लगभग ना के बराबर आए थे, इस साल यहां से क्वेश्चन जरूर दिया जाएगा, क्वेश्चंस को शिफ्ट किया जा रहा है, शफल किया जा रहा है। शुरू करते हैं ये क्लास, और ये प्रीमियम सुपर क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जहां हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट को सीखेंगे कि हमारी पृथ्वी को अगर हैप्पी रखना है, खुश रखना है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे रिड्यूस करें, उसको रीयूज करें, फिर उसको रिसाइकल करें, ताकि हमारी पृथ्वी जो है खुश रहे। चलिए देखते हैं इस खुशी के पीछे क्या क्या राज है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि वेस्ट क्या है, क्योंकि सवाल प्राइमरी पे ऐसे ही आते हैं कि भैया वेस्ट क्या होता है या इन चीजों को क्या कहते हैं, तो आपको बताना पड़ता है। देखिए वेस्ट क्या है, सबसे पहले इस बात को समझिए, आपका घर हो, ठीक है, आपकी लोकेलिटी हो, कम्युनिटी हो, या आपकी इंडस्ट्री हो, कॉमर्स हो, माइनिंग हो, एग्रीकल्चर करते हो, समुद्र से तेल निकालने का काम करते हो, आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटी हो, जमीन की खुदाई का काम हो, या बिल्डिंग बनाते हो, या बिल्डिंग तोड़ते हो, या कोई भी एक्टिविटी जहां से ऐसी चीजें निकलती हैं जो किसी काम की नहीं है, उस वक्त अनवांटेड है, अनहाइजीनिक है,
और हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, केवल अपने ही नहीं बल्कि हमारे अर्थ, हमारे एनवायरमेंट के, पर्यावरण के, हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक और हार्मफुल है, हैजार्ड है। ऐसे किसी भी रबिश को, ट्रैश को, जंक या गार्बेज हो, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग वेस्ट कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये अनवांटेड है और अनडिजायर्ड मटेरियल है जिसकी कोई जरूरत नहीं। अगर ये नहीं पनपते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए जरूरी है ये सीखना इस क्लास में कि अगर ये बनते हैं तो इसका निपटारा भी तो किया जा सकता है। कैसे करेंगे ये हम लोग आई क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो भी हम लोग कहते हैं ना डिस्कार्डेड है, जो फेंक देते हैं या जमा हो जाता है या स्टोर करके रखते हैं जिसकी कोई जरूरत ना हो, और ट्रीटेड मटेरियल जैसे फिजिकली ट्रीट करते हैं, किसी को केमिकल लगा के उसको ट्रीट करते हैं या बायोलॉजिकली ट्रीट करते हैं प्रायर टू बीइंग डिस्कार्डेड और रिसाइकल, या तो इसे फेंक दिया जाता है या इसे रिसाइकल करके जितना हो सके आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि आपके तरफ से इंडिविजुअल तौर पर आप जितना चाहे वेस्ट को कम कर सके, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब समथिंग वी यूज इनएफिशियंटली और इनएप्रोप्रिएटली। वेस्ट, वेस्ट एक्चुअली कुछ नहीं है, अगर इसे सिंपल भाषा में कहा जाए तो एक ऐसी चीज जिसको ना हमने ठीक से और ना ही एप्रोप्रिएटली यूज कर पाए हैं, उचित तरीके से जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाए, वो क्या हो जाता है, हमारा वेस्ट बन जाता है। यही है इसका वेस्ट, यानी कचरा इसको हिंदी में कहते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट है क्या, देखिए वेस्ट को मैनेज करना यानी जो भी कूड़ा, कचरा, गार्बेज, रबिश है ना निकलता है, इसे आपको मैनेज करना होगा, वरना पृथ्वी पे जितने सारे बिल्डिंग और घर नहीं है ना, उससे ज्यादा, उससे बड़े बड़े कई तल्लों तक जो ढेर जो है ना वो कचरे का हो जाएगा, आप और हम बिल्कुल भी रह नहीं पाएंगे, हमारी पूरी पृथ्वी जो है ना वो डेड हो जाएगी सिर्फ इस वेस्ट के चलते जो सिर्फ आप और हम लोग पैदा करते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसके देखिए इसका अगर हम मीनिंग समझने की कोशिश करें तो इसमें आप कलेक्ट करते हैं, जहां पे कचरा होता है वहां से कलेक्ट करते हैं, शुरू होता है आपके घर से है ना, ट्रांसपोर्ट करते हैं, रिकवरी करते हैं एंड डिस्पोज्ड ऑफ वेस्ट, और जो भी वेस्ट कचरा निकलता है हम उसका उचित तरीके से निपटारा करते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे इंक्लूडिंग इसमें। और ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है, केवल कलेक्शन करना, उसको कचरे के जगह से उठा के लेके जाना या कहीं पे है तो रिकवरी करना, उसको डिस्पोजल करना ही केवल मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि सुपरविजन करना ऑफ सच ऑपरेशंस एंड आफ्टर केयर ऑफ डिस्पोजल साइट्स, कि ऐसे कचरे का निपटारा क्या सही तरीके से हुआ है, क्या उसे उस जगह पहुंचाया गया है जिस जगह इसे पहुंच जाना चाहिए था, यानी इंसान की आबादी से काफी दूर, ठीक है, पर्यावरण को भी नष्ट ना पहुंचे और इंसानों को भी जितना कम हो उतना नुकसान पहुंचे या नुकसान ना के बराबर पहुंचे। तो वेस्ट को सिर्फ कलेक्ट ही करना नहीं, डिस्पोज ही करना नहीं, बल्कि सुपरवाइज करना भी जरूरी है कि सही तरीके से उसका निपटारा हो भी रहा है कि नहीं। However, the newer concepts of waste management, जहां तक अभी मॉडर्न जमाने में बहुत सारे तरीके अभी आ गए हैं, हमने स्लाइड बनाई है, पढ़ेंगे आगे कि बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आ गए हैं जहां पे हम लोग वेस्ट को निपटारा कर सकते हैं। टॉक अबाउट, तो जो नया तरीका जो आया है यहाँ पे हम लोग 3R की बात करते हैं। पिछले साल बस एक क्वेश्चन यहाँ से आया था 3R। 3R का मतलब होता है आप चीजों को जहां वेस्ट पैदा हो रही है वहीं पे उसे रिड्यूस करने का प्रयास करें, मतलब इतना रिड्यूस करें जितना रिड्यूस करने से, मतलब कचरा कम करने की कोशिश करें, जितना बच जाए उसको आप यूज रीयूज कर सके और उसके बाद फिर से उसको क्या करें आप रिसाइकल कर सके, ताकि नई चीजों को लाकर दोबारा नया कचरा बनाने का कोई औचित्य ही ना रहे, यानी कि रिड्यूस करें, रीयूज करें, रिसाइकल करें वेस्ट ओवर एंड अबव वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि जो हम कचरा का जो निपटारा करते हैं, कचरा फेंक देते हैं, नालियों को ब्लॉक कर देते हैं, नदियों के पानी को, सरफेस वाटर को गंदा कर देते हैं, ड्रेनेज को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं, गंदगी सड़क पे आ जाती है, लोगों का जीना दूभर हो जाता है, इससे अच्छा है कि आप सीखें कैसे रिड्यूस होगा, रीयूज होगा और रिसाइकल होगा। यहाँ पे इसको समझाने के लिए मैंने एक पिक्चर, मैंने यहाँ पे एक पिरामिड चार्ट मैंने आपको दिया है, जहां आपको ये समझना पड़ेगा कि जो नीचे के ये जो तीन है ये कहलाते हैं वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ये आपके कहलाते हैं वेस्ट मैनेजमेंट, और जो ऊपर के दो है ये है वेस्ट अवॉइडेंस, जहां ये वो काम है जहां हम वेस्ट को अवॉइड करना चाहते हैं, कचरे से दूर रहना चाहते हैं, ठीक है। अगर इस पिरामिड को अगर हम नीचे से ऊपर की ओर समझे तो नीचे का तीन हिस्सा जो है वो हिस्सा है जो बहुत ही नापसंद वाला हिस्सा, जिसे हम नहीं करना, ना करें तो ही अच्छा है, और ऊपर का होता है आपका मोस्ट प्रेफर्ड एंड हाइएस्ट इंपैक्ट, ज्यादा पड़ता है वेस्ट को निपटारा करने का।
देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले तो यह है कि जो भी कचरा हमारे घर से निकलता है हम उसे क्या करते हैं, डिस्पोज करते हैं। डिस्पोज कहाँ करते हैं, हमारे घर, हमारे कम्युनिटी, हमारे लोकेलिटी में या म्यूनिसिपैलिटी एरिया में, जो डस्टबिन वगैरह या गीला कचरा और जो सूखा कचरा, ड्राई वेस्ट और लिक्विड वेस्ट के लिए जो अलग अलग बिन्स होते हैं वो इसलिए रखे जाते हैं कि दोनों को मिक्स ना करें, ताकि जब इसका डिस्पोजल हो तो जो सॉलिड वेस्ट है या ड्राई वेस्ट है उसको अलग तरीके से रिसाइकल करें, उसको अलग तरह से ट्रीट किया जाता है, उसमें केमिकल्स बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स अलग लगते हैं, और जो गीला कचरा होता है, जो सूखा कचरा होता है या उसका गीला कचरा होता है उसको निपटारा करने का तरीका, ट्रीट करने का तरीका या उसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग होती है। अगर आप चीज़ों को मिक्स कर देंगे तो आपके लिए भी दिक्कत तो है ही, जो ले जाएगा, जो निपटारा करेगा उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, और उसके बाद जब वो नहीं होगा तो उसे लैंडफिल में फेंक दिया जाएगा, ये बहुत बुरी बात है। तो डिस्पोजल जो होता है ये क्या करते हैं, जो भी कूड़ा कचरा हमारे यहाँ से निकलता है हम उसे लैंडफिल करते हैं। लैंडफिल का मतलब होता है, दिल्ली का आपने देखा होगा कि दिल्ली में पहाड़ों का कई सारे 6-7 जो पहाड़ों के कूड़े के पहाड़ जो है आपको देखने को मिलते होंगे, न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में आती है काफ़ी, या वहाँ की जो सरकार है आम आदमी पार्टी सरकार है, जब म्यूनिसिपल उनको मिला तब उन्होंने वादा किया था कि इस कूड़े के पहाड़ का हम निपटारा करें, क्योंकि वहाँ से जब गुजरते हैं तो ना केवल अनहाइजीनिक अनहेल्दी दुर्गंध वहां से निकलता है, बल्कि वो जगह उसके आसपास के कई किलोमीटर का एरिया जो है काफी हार्मफुल और हैजार्ड हो जाता है। केवल यही नहीं, आप सोचिए अगर वो कूड़े का पहाड़ है तो कितना हजार हेक्टेयर में फैला होगा, और उतने हजार हेक्टेयर कूड़े को अगर आप निपटारा करते हैं तो सोचिए आप वहाँ पे स्कूल, आप वहाँ पे अस्पताल, आप वहाँ पे डिस्पेंसरी, आप वहाँ बच्चों के लिए स्कूल खोल सकते हैं, आप खेल के मैदान, स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करा सकते हैं, मतलब उस जमीन को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो जमीन केवल क्या के लिए यूज हो रहा है, कूड़े फेंकने के लिए यूज हो रहा है, अब उसका कोई यूज नहीं रहा, और उसके बाद वो जमीन भी जो है वहां के केमिकल से जो कूड़े ये पाया जाता है उससे वो जमीन क्या होती है, बंजर हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती है ना। तो ये हम जो वेस्ट है हम लैंडफिल में भेज देते हैं। इसके बाद होता है क्या, रिकवरी, रिकवर एनर्जी फ्रॉम वेस्ट, यानी कि जो भी वेस्ट जो हम डालते हैं उसको कलेक्ट करके, उसको प्रोसेस करके वहां से एनर्जी को रिस्टोर करना, यानी जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, बायोगैस हो गया, इस तरह के एनर्जी को वहां से निकालने की कोशिश की जाती है। इसके बाद हो गया आपका रिसाइकल, रिसाइकल वेस्ट इंटू न्यू प्रोडक्ट, यानी ये भी हम पढ़ेंगे, इसके ऊपर मैंने कई स्लाइड बनाई है कि जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं, घर की बात शुरू कीजिए ना, आप घर में जो भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे फाइबर का बना हो, प्लास्टिक का बना हो, नायलन का बना हो, जूट का बना हो, ठीक है ना, बायोडिग्रेडेबल हो या नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, बायोडिग्रेडेबल मतलब जिसको जो बना है वो आसानी से मिट्टी में मिलके मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जो मिट्टी बन जाता है, मिट्टी में मिल प्रकृति से बना है, प्रकृति में मिल जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो अननेचुरल है, जिसे प्रकृति ने नहीं बनाया है और प्रकृति में वापस जा नहीं सकता, उसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो ऐसा कोई भी चीज जो आप घर पे यूज करते हैं हो सके तो उसको रिड्यूस करके उसको दोबारा रिसाइकल करें, दोबारा है उसको इस्तेमाल करें, बशर्ते कि और वैसी ही नई चीज आप लेकर। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, बोतल हमारे लिए बहुत सहूलियत होती है, घर में जब पानी का बोतल या जूस का बोतल लेके आते हैं तो पीने के बाद हम उसे साफ करके दोबारा उसमें पानी भर के रखते हैं। हम में से 80% से भी ज्यादा घरों में बोतलों में पानी भर के रखा जाता है, वही बोतल जो हमने खरीद के लाया था। तो यही तो हुआ रिड्यूस करना, रीयूज करना, रिसाइकल करना, 3R का इससे बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, पानी का बोतल आप खरीद के लाते हैं, आप उसे फेंकते नहीं, घर में उसको दोबारा इस्तेमाल करते हैं पानी पीने के लिए, कई जगह पर देखा होगा आप लोगों ने। इसके बाद जो वेस्ट अवॉइडेंस है, वेस्ट ना हो इसके लिए उसको दोबारा आप रीयूज करें, रीयूज मटेरियल एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, यानी एक चीज को जितनी बार, ठीक है, जब तक कि वो हेल्दी है, जितनी बार आप चाहे यूज कर सकते हो उतनी बार उसको यूज करना चाहिए, ताकि उसको रिप्लेस करने की या उसके जगह नए चीजों को यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत ना पड़े। पढ़ेंगे इसके बारे में। और इसके बाद है अवॉइड और रिड्यूस, रिड्यूस टोटल वेस्ट क्रिएटेड इन फर्स्ट प्लेस, मतलब पहली बार जब कोई सामान आप इस्तेमाल करते हैं तो इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर इस्तेमाल करने के बाद उसको रिड्यूस किया जा सकता है, हम वो कोशिश करें ताकि कचरा हमारे इंडिविजुअल लेवल पे ही पैदा ना हो, कचरा वहां पैदा हो ही ना। अगर कचरा पैदा नहीं होता है तो ऊपर से नीचे आने की हमें जरूरत भी नहीं है, सिर्फ ऊपर में ही इसका निपटारा करने की कोशिश करें, और ज्यादा से ज्यादा आते हैं तो 1-2-3 लेवल तक आए, यानी रीयूज करें, रिसाइकल करें, लेकिन बाकी जो है चीजें बहुत खराब है, हार्मफुल है, अनहाइजीनिक है, इससे रिकवरी से भी जो हम लोग एनर्जी निकालते हैं इससे भी पर्यावरण को बहुत नुकसान है। आगे पढ़ेंगे, देखिए हम लोग पढ़ते हैं सॉलिड वेस्ट, तो दो तरह के वेस्ट होते हैं, एक सॉलिड और एक लिक्विड।
जहां तक हम सॉलिड वेस्ट का सवाल है, तो सॉलिड वेस्ट यानी कि जो आप पिक्चर में देख पाते हैं, ऐसी कोई भी चीज जो आपके घर में ठोस है, प्लास्टिक का, फाइबर का, जूट का, ग्लास का, मेटल का, सेरामिक का, कुछ भी आप रेक्सिन का, कुछ भी आप देखते हैं जो कि सॉलिड है, लिक्विड फॉर्म में नहीं है, जिसका इस्तेमाल आप नहीं करते, जिसे कचरे के डिब्बे में या कम्युनिटी में आपने फेंक दिया है, गार्बेज ग्राउंड बना दिया है, वो सब क्या है? हमारा सॉलिड वेस्ट है। तो ये सॉलिड वेस्ट है, ये प्रीडोमिनेंटली कोई भी गार्बेज हो, रिफ्यूज हो, रबिश हो, दैट वी मेक इन आवर होम्स एंड अदर प्लेसेस, जो हम अपने घर में बनाते हैं या दूसरे कई जगहों पे, चाहे इंडस्ट्री हो, माइनिंग हो, कॉमर्स हो, एग्रीकल्चर हो, ओशियन हो, आर्कियोलॉजिकल साइट हो, जमीन के अंदर हो या आसमान में हो, कहीं भी हो, ठीक है। इसमें एक कार के टायर हो सकते हैं, पेपर हो सकता है, ब्रोकन फर्नीचर हो सकता है, फूड के वेस्ट हो सकते हैं, तो ऐसा कोई भी चीज जो कि नॉन लिक्विड होता है उसे हम लोग सॉलिड वेस्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है ये जो सॉलिड वेस्ट है, ये जो सॉलिड वेस्ट है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। दो कैटेगरी कौन कौन सी है? तो पहली कैटेगरी है, पहली जो कैटेगरी हम देखते हैं यहाँ पे वह है बायोडिग्रेडेबल है, यानी प्रकृति से बनी है, प्रकृति में वापस वो मिल जाएगी, हाँ, और इसे रिसाइकल भी कर सकते हैं, यानी ऐसी चीज जो बायोडिग्रेडेबल होने के साथ, बायो माने जैविक, डिग्रेड का मतलब होता है टूट फूट कर फिर उसी में विलीन हो जाना जिससे वो दोबारा बनी थी। जैसे हम लोग का शरीर, हम लोग का शरीर क्या है बताइए? हम लोग का शरीर है बायोडिग्रेडेबल। अगर आप अपने आसपास किसी जानवर को मरा हुआ देखते हैं, साफ तो कर देंगे तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर वहीं पड़ा रहता है, जो कि ज्यादातर वहां से गाड़ियां गुजरती है, वो कुत्ता हो या जानवर हो, मरा रहता है, तो आप जिस दिन पहली बार आपने देखा उस दिन वो मरा हुआ था, आप अगर 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद दोबारा वहां से गुजरे तो देखेंगे कि उसका शरीर जो है ना 70% रिड्यूस हो गया है, यानी कि उसके शरीर में जो मांसपेशी, हड्डी, ऑर्गेन्स जो थे वो धीरे धीरे गल के घटते जा रहे हैं, और वायुमंडल में एक तरह की दुर्गंध फैली हुई है। दुर्गंध क्या की है? माइक्रोब्स की है, नाइट्रोजन की है, वायरस की है, बैक्टीरिया की है, जिसे हम लोग अपने अंदर ले लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है। ये प्रकृति के एलिमेंट से मिलके बना है, और उसी एलिमेंट को डिकम्पोज करके माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गे, फंगस जो है उसे तोड़कर, डिकम्पोज माने विघटित करके उसको उसी तत्वों में विलीन कर देते हैं, तो ये बायोडिग्रेडेबल हो गया, ठीक है। इसमें तो यहां देखेंगे वो चीज जो बायोडिग्रेडेबल भी है, नेचर में वापस जा सकती है और रिसाइकिल भी कर सकते हैं। किचन से निकलने वाला बहुत सारा वेस्ट को आप रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है। फूड हो गया, गाय का गोबर, एनिमल वेस्ट, गाय का गोबर परफेक्ट एग्जांपल है। गाय की जो गोबरें होती हैं, आप गांव में चले जाएं, जिनके पास आज भी गैस नहीं है या जिनके पास चूल्हे के लिए लकड़ी के लिए खरीदने के लिए पैसे नहीं है, वो जो उनके पास जो लाइव स्टॉक है, जो गाय है, जो भी है, उनका जो गोबर होता है, उस गोबर को क्या करते हैं, मतलब उपले बनाते हैं, यानी कि सन में दीवालों पर चिपका के सूर्य की रोशनी में उसे सुखाते हैं। सूर्य की रोशनी में सूखने वाला कोई भी चीज, चाहे लकड़ी हो चाहे गोबर हो, उसमें सोलर एनर्जी आती है। सूखने के बाद वो बहुत अच्छा ईंधन का बायोफ्यूल का काम करती है, ईंधन का काम करती है, और गाँव महिलाएं जो है आज भी जो है गोबर के उपले से जो है खाना बनाया जाता है। तो इस तरह से आप उसको, बायोडिग्रेडेबल भी है प्लस रिसाइकल भी है। एग्रीकल्चर, खेती जो आप करते हैं, खेती करने के बाद फसलों को जब काट लेते हैं, तो फसल काटने के बाद उसका जो नीचे का स्टेम बचा होता है, जो कोई काम कैसे पुआल हम लोग कहते हैं, ठीक है, हे स्टिक कहते हैं, उसका भी चारे के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, है कि नहीं? उसका कई सारे पर्पस के लिए खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं, मैन्यूअल बना सकते हैं, जिससे किसान दोबारा अपने ही खेतों में छिड़क कर, ठीक है, मिट्टी को उलट पुलट करके उसके साथ मिला के मिट्टी को अपने ही बचे हुए वेस्ट से, फसलों के एग्रीकल्चर वेस्ट से मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। पत्ते हैं, सूखे पत्ते हैं, खाद के रूप में काम आते हैं। अंडे के छिलके हैं, हीना का पेस्ट, वेजिटेबल पील्स, मीट बोन्स, डेड एनिमल, पेपर हो गया, वुड हो गया, ये सारे बायोडिग्रेडेबल है और आपका रिसाइकलेबल भी है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, जब मैं कहता हूँ कि रिड्यूस कीजिए, फिर इसको रीयूज कीजिए, फिर रिसाइकिल कीजिए, इसका परफेक्ट एग्जांपल क्या है, मैं एक टिप्स भी, ब्यूटी टिप्स भी हो जाएगा, जैसे कि अनार। अनार हर किसी को पसंद है, तो अनार जब लेके आते हैं तो अनार को निकाल के उसे अब मिक्सी में या इसको स्मूदी बना के या दूसरे फलों के साथ से मिक्स करके आप अनार का जूस पीते हैं, आप पूरा खाते हैं, लेकिन वेस्ट क्या बचता है? उसका जो कवर है, जो बाहर का छिलका है, वो बच जाता है। हम उसे क्या करते हैं? वो एक फूड वेस्ट है, हम उसे फेंक देते हैं। फेंकने से क्या होगा? वो सड़ेगा, गलेगा, दोबारा बायोडिग्रेड हो जाएगा। लेकिन आप चाहें तो इसको रिड्यूस करके आप इसको रीयूज कर सकते हैं।
क्या करें, इसको गोबर के उपले की तरह ही धूप में इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसे पहले सुखा ले, अनवांटेड चीजों को निकाल दे जो कि कुछ है नहीं उसे सुखा ले, पूरी तरह सूख जाए तो पूरी तरह सूखने के बाद इसे ब्लेंड कर ले, मिक्सी में मिक्स कर ले, इसे पीस ले, पीसने के बाद ये महीन पाउडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये महीन पाउडर बन जाएगा और इस पाउडर का इस्तेमाल आप अपना फेशियल और चेहरे को स्क्रब करने के लिए, नेचुरली स्क्रब करने के लिए विदाउट एनी केमिकल एलिमेंट्स, विदाउट एनी केमिकल चेहरे को बढ़िया तरह से स्क्रब करने के लिए, नोज के ऊपर जो ब्लैक हेड्स होते हैं उसको निकालने के लिए, अनवांटेड और डेड सेल्स को हटाने के लिए, पोर्स को खोलने के लिए जो है आप हर स्किन टाइप के लोग जो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बताइए, आपने अनार खाया, आपने उसके छिलके को रिड्यूस किया, आपने उसको रीयूज किया, आप दोबारा इसको रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये होता है कि इंडिविजुअल तरीके पे आप सोचे समझे कि जो कचरा हम पैदा करते हैं अगर वो बायोडिग्रेडेबल है तो वो कैसे इसको रिसाइकल कर सकते हैं। इसके बाद एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, भैया नहीं भैया ये तुम प्रकृति में वापस नहीं जा सकते हो, कितना भी कुछ ना सड़ोगे ना गलोगे ना प्रकृति में वापस जाओगे, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नेचर इन्हें एक्सेप्ट नहीं करती तो इसे रिसाइकल करना जरूरी होता है। तो एक है वो जिसे रिसाइकल कर सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, एक तो रिसाइकल होगा ही नहीं और यही हमारी पृथ्वी के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण है। अब ये क्या कारण है देखते हैं। सबसे पहले प्लास्टिक, ठीक है, मैंने एकदम मिनेस है हमारे पृथ्वी के लिए, एकदम परेशानी बहुत बड़ा सर है हमारे लिए नहीं, चाहे वो जमीन पर रहने वाले प्राणी हो, समुद्र में रहने वाले प्राणी हो या हवा में रहने वाले प्राणी हो, सबके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कैरी बैग्स होता है, मिल्क कवर, पीवीसी पाइप्स हो गया, सिरिंज, ग्लूकोज बॉटल, कॉटन एंड नायलॉन क्लोथ टायर ट्यूब्स, शैम्पू बॉटल, ग्लास, बुक्स, नोटबुक, वायर, कैप्स ऑफ मिनरल वाटर बॉटल, प्लास्टिक हो गया, टीन कैन, मेटल, एश, डर्ट, ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल तो हैं लेकिन इसे रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकिल कैसे करेंगे इसका परफेक्ट एग्जाम मैंने अगले स्लाइड में दिया है, हम पढ़ेंगे वहां जाके, पर इन्हें जानना जाइए कि इन्हें भैया कोई कुछ भी नहीं कर सकते, इसे नॉन रिसाइकलेबल है। जैसे कि नाइट्रोजन सील पैकिंग फॉर चिप्स जो होता है, चिप्स को पैकिंग करने के जो नाइट्रोजन सील जो पैकिंग होता है वो, टेट्रा पैक जिसके अंदर आप लोग अमूल के दूध भी मिलते हैं या बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं टेट्रा पैक लिखा रहता है, थर्मोकॉल जो यूज करते हैं, कार्बन के पेपर, प्लास्टिक कोटेड विजिटिंग कार्ड, ऐसा विजिटिंग कार्ड जिसके ऊपर लेमिनेट किया हुआ होता है, सैचेस हो गया शैम्पू का, एक रुपए के दो रुपए के सैचेस हो गए, या किसी फूड प्रोडक्ट सैचेस, मॉडर्न पैकिंग मटेरियल जो प्लास्टिक को फूड पैकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, पेट मिनरल वाटर बोतल जो होता है, ये सारे एक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, दूसरा इन्हें हम रिसाइकल नहीं कर सकते, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारा जो सॉलिड वेस्ट है ना, हमारा जो सॉलिड वेस्ट है यानी कि जो सूखा कचरा जो होता है, यानी जो ठोस कचरा जो होता है, ठीक है, इसका जो नेचर होता है कि किस तरह का सॉलिड वेस्ट है, इसके हिसाब से इसे हम दो भागों में बांटते हैं, एक हो गया बायोडिग्रेडेबल और एक हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो हमने पढ़ा वेजिटेबल वेस्ट, सब्जी कचरा का जो भी होता है, किचन से निकलने वाला कचरा, गार्डन से निकलने वाला कचरा, कृषि से निकलने वाला कचरा, गाय के गोबर या और भी बहुत सारी चीजें, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, कपड़ा हो गया, ग्लास हो गया और आपका मेटल हो गया, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी इसलिए है इसे क्लासिफाई करना कि कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप इन दोनों को रिसाइकल करेंगे, ये डिपेंड करता है इस बात पे कि जो वेस्ट आपका निकला है ना सॉलिड वेस्ट, वो कौन किस तरह का वेस्ट है, वो प्रकृति में दोबारा मिल जाएगी ऐसा वेस्ट है या जिसका प्रकृति से कोई लेन देन नहीं है, प्रकृति उसे दोबारा एक्सेप्ट नहीं करेगी, अपने आप में विलीन नहीं करेगी, ठीक है, वो वाला वेस्ट है। तो उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि हम कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके इसको दोबारा रिसाइकल या रियूज कर सकते हैं या इसे एनर्जी को रिकवरी कर सकते हैं। देखिए सॉलिड वेस्ट कलेक्शन के बहुत सारे हैं, घर घर जाके जो है इंडिविजुअल से जो है गार्बेज कलेक्ट कर लिया जाता है, कई जगह पे इस तरह फैसिलिटी है जहां पे कचरा वाला तो नहीं बोलेंगे, एक्चुअली वो लोग सफाई वाले हैं, कचरा वाला तो हम लोग हैं क्योंकि हम लोग कचरा फैलाते हैं, खैर जो भी हो तो वो लोग आते हैं, सफाई वाले लोग आते हैं और हमारे घर से हमारा कचरा उठा के लेके जाते हैं, ठीक है। कम्युनिटी बीन्स होता है, यानी हमारे घर के बाहर लोकेलिटी में पड़ोस में जो है म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा जो है अलग अलग टाइप के बीन्स, ग्रीन कलर के ब्लू कलर के बीन्स आप लोग देखते होंगे डस्टबिन वगैरह, जहां सूखा कचरा गीला कचरा के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं जहां डालने चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है कर्बसाइड पिकअप है, यूजर्स लीव देयर गार्बेज डायरेक्टली आउटसाइड देयर होम्स अकॉर्डिंग टू अ गार्बेज पिकअप शेड्यूल सेट विद इन द लोकल अथॉरिटीज, है ना। तो गाड़ियां आती है और गाड़ियां आके जो है बाहर जो आप कचरा रखते हो उसको गाड़ियां जो है उठा के ले जाती है, जगह जगह जहां पे म्यूनिसिपैलिटी नहीं है वहां पे इस तरह की फैसिलिटी दी जाती है। सेल्फ डिलीवर्ड भी होता है, जनरेटर डिलीवर द वेस्ट डायरेक्टली डिस्पोजल साइट, ट्रांसफर स्टेशन और हायर थर्ड पार्टी ऑपरेटर।
म्यूनिसिपैलिटी जो है कभी कभी अपने काम को, जो कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड और डेलीगेटेड सर्विस दिया हुआ है, यहाँ पे क्या होती है म्यूनिसिपैलिटी इसी काम को प्राइवेट फर्म्स को देती है कि ठीक है आप ऑन आवर बिहाफ आप हमारे इस कम्युनिटी को जो कूड़ा कचरा है इसके निपटारे की व्यवस्था करें। इसके लिए प्राइवेट कंपनी जो है कस्टमर से चार्ज करती है, पैसे लेती है, ठीक है आपको पे करना पड़ता है ताकि इस कूड़े का निपटारा हो सके। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग सॉलिड वेस्ट कलेक्शन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट जो पैदा होता है इसको डिस्पोज करना मतलब इसको निपटारा करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें पांच मुख्य तरीका है। जो पहला है वो है वेस्ट को रिड्यूस करना, हम लोग देखेंगे। दूसरा है एरोबिक कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग माने खाद बनाना, एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। और दूसरा होता है और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये कब होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये होता है जब खाद बनाया जाता है, और जो एनारोबिक कंपोस्टिंग या डाइजेशन है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जाता है, क्या है पढ़ेंगे। इसके बाद है बायोगैस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए भी हम लोग वेस्ट का डिस्पोजल जो है हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चार नंबर जो है रीयूज एंड रिसाइकलिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट, जो प्रकृति में वापस नहीं जा सकती इसे कैसे रीयूज और रिसाइकलिंग करें। पांचवा है लैंडफिल, और लैंडफिल में ही हम लोग एक और पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसे हम लोग कहते हैं इंसिनरेशन, यानी कि जला देना, क्या कर देना जला देना। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये चीजें कैसे वर्क करती है। सबसे पहला जो हमने कहा था अभी कि वेस्ट को रिड्यूस कीजिए, तो वेस्ट को रिड्यूस करने का जो मैंने अभी अभी जो एग्जांपल आपको दिया था अनार का, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आप अनार लाते हैं खाने के लिए, अनार आप लेके आते हैं, अनार खा लेते हैं, इसकी स्मूदी बना लेते हैं, जूस बना लेते हैं, खा लेते हैं, और अगर आप जूस ही बनाते हैं तो जो उसका जो सॉलिड बचता है उसको आप खाद के रूप में रख दीजिए, किसी गमले में रख दीजिए जिस गमले में ऑलरेडी कोई पौधा है, वो अनाज का वो ठोस बीज का टुकड़ा सड़ के अपने आप खाद बन जाएगा, छिलका जो बच जाता है हम उसे फेंक देते हैं, ये क्या है वेस्ट है। कैसे रिड्यूस करें, मैंने कहा इसे सुखा लीजिए, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लीजिए, और इसका मिक्सी में पीस के इसके टुकड़े से आप फेशियल या फेस मसाज कर सकते हैं, बॉडी के किसी भी हिस्से पे कर सकते हैं, और ये बहुत नेचुरल है, इस पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। अगर हम एलोवेरा कर सकते हैं तो किसी भी फ्रूट से भी कर सकते हैं। तो वेस्ट रिड्यूस जो होता है ये वेस्ट और जो सोर्स रिडक्शन एट इनिशिएटिव, यानी कि जहां से शुरू होता है वहीं पे इसे, जहां से कचरा बनता है ना कोशिश करें वहीं पे इसे खत्म कर दे, ठीक है। इट इज सीक टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट एट जेनरेशन पॉइंट, जहां पैदा होती है कचरा कोशिश करें वहीं पे उसे जितना हो सके रिड्यूस करें बाय रीडिजाइनिंग प्रोडक्ट्स और चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंपोजिशन कंजम्पशन। देखिए आप चाहें तो जो चीजें आप इस्तेमाल करते हैं उन चीजों को क्या कर सकते हैं, आप उन चीजों को आप जहां से पैदा हो रही है वहीं पे आप इतना रिड्यूस करें ताकि उसको आप दोबारा इस्तेमाल करें। घर में तो किचन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम कॉलीफ्लावर यूज करते हैं तो हम उसके फूल की सब्जी खाते हैं, लेकिन उसकी जो डंठल और जो पत्तियां होती है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है हम उसे गाय को या जानवरों को खिला देते हैं या कहीं फेंक देते हैं। इससे अच्छा है कि आप गोभी को बना लें और छिलको और डंठी को आप अलग से उसको फ्राई करके भी आप खा सकते हैं। लौकी होती है, लौकी का छिलका बहुत अच्छा, उसको फ्राई करके उसकी जो भुर्जी है वो बन सकती है। मतलब ये मैं लोकल एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए कि जो लौकी बन रहा है साथ साथ उसी सोर्स में उसका वेस्ट भी बन रहा है, और उस वेस्ट को आप कैसे रिड्यूस करेंगे फूड के रूप में भी, उसको एक अलग फूड का रूप देके अलग रेसिपी बना के आप उसको रिड्यूस करके रिसाइकल करके रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप रिडक्शन इन वेस्ट जनरेशन हैज अ टू फोल्ड बेनिफिट, दुगना इसका बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एंड एमिशन रिडक्शन, यानी ना केवल आप ग्रीन हाउस पैदा करने वाला यानी कि पृथ्वी को गर्म करने वाले गैस को पैदा करने से बच सकते हैं, हानिकारक गैसों को भी निकलने से रोक सकते हैं। पहला क्या है जो टू फोल्ड जो दुगना हम लोग को लाभ है, फर्स्ट है एमिशंस एसोसिएटेड विद मटेरियल एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर आर अवॉइडेड, यानी कि जो सामान बनता है, सामान बनने के बाद जो वेस्ट बनता है उस वेस्ट से जो हानिकारक गैसें निकलती है अगर इसको हम सोर्स पॉइंट पे ही खत्म कर दें जैसे मैंने एग्जांपल में कहा तो गैस निकलेगी नहीं। दूसरी बेनिफिट क्या है इज एलिमिनेटिंग द एमिशंस एसोसिएटेड विद द अवॉइडेड वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटी, यानी कि वेस्ट को मैनेज करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, उनको जलाया जाता है, इंसिनरेट किया जाता है, लैंडफिल किया जाता है,
फेंक दिया जाता है। इससे क्या होता है, बहुत सारी हानिकारक गैसें एनवायरनमेंट में जाती है जो ग्रीन हाउस की प्रक्रिया को बढ़ा देती है, पृथ्वी के तापमान को गर्म करती है, और इसका असर क्या होता है ये हमने फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंटल पोल्यूशन, एनवायरनमेंटल हेल्थ, एयर लैंड एंड वाटर, इन सब में 5 लेसन एक वीडियो में है जो कि इंटर रिलेटेड और इंटर कनेक्टेड है, जो केवल ऐप पे अवेलेबल है, प्रीमियम क्लास है, वहां मैंने बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया, इसकी एमसीक्यू मैराथन आने वाली है। तो ये फायदा है हमारा, ठीक है, इसे तो उसको मैनेज करने के लिए हम अगर कूड़ा पैदा ही नहीं होगा तो उसको मैनेज करने की जरूरत क्या है, और कूड़ा अगर कम कर दे तो बहुत कम में ही काम हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पे है कंपोस्टिंग जो होता है, यानी कंपोस्टिंग है। दूसरा है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ध्यान से पढ़े। कंपोस्टिंग का मतलब होता है खाद, कंपोस्टिंग का क्या मतलब होता है खाद, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, कंपोस्टिंग का मतलब होता है खाद। सो कंपोस्टिंग प्रोसेस द ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैविक, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैविक, ठीक है। ब्रेक्स डाउन अंडर बैक्टीरियल एक्शंस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमस लाइक मटेरियल कॉल्ड कंपोस्ट। देखिए कंपोस्टिंग में क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है, यानी जो चीजें हम खा सकते हैं, ठीक है, जिन जो चीजें प्रकृति ने पैदा किया है वो सारे ऑर्गेनिक है, क्योंकि उसमें कार्बन वगैरह भी पाया जाता है जो कि ग्लूकोज के रूप में पेड़ पौधे पैदा करते हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर जो हम फेंक देते हैं इस पे बैक्टीरिया बोलिए, चाहे आप फंगाई बोलिए, चाहे आप एल्गे बोलिए, है ना, आप वायरस बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, ये सारे क्या करते हैं ऑर्गेनिक मैटर पे एक्शन लेते हैं, इनसे जिससे डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं उन तत्वों में जिन तत्वों से मिलकर ये बनी थी प्रकृति के द्वारा। और इससे क्या होता है, जो चीज जब सड़ती है, गलती है, इसका रंग रूप बदलता है, जो चीज अंत में आपको मिलता है ना, जिसे आप लोग खाद कहते हैं, उसे एक्चुअली हम लोग ह्यूमस कहते हैं। और मिट्टी के ऊपरी ही परत में, मिट्टी के क्रस्ट में ही, ऊपर में ही मिट्टी में ह्यूमस पाया जाता है, इसलिए किसान जब खेती करते होंगे तो वो जो खेती को पहले जोतते हैं ट्रैक्टर से या हलों से, ताकि नीचे की मिट्टी को ऊपर लाया सके, जिसमें ह्यूमस होता है, खाद होता है, या इस तरह से खाद बना के जो वेस्ट आप फेंकते हैं उससे खाद बना के किसान अपने ही खेतों में दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो वैल्यू ऑफ कंपोस्ट है, एज मैन्योर डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फीड मटेरियल पॉड इन टू द कंपोस्ट पीट, यानी खाद बनाने वाले गड्ढे में, जारकिन में, किसी भी डब्बे में जब खाद बनाते हैं, वो खाद जो बनता है उसकी वैल्यू क्या होगी, यानी उसे आप फाइनेंशियली बेच भी सकते हैं। आपको पता है उगाऊ एक वेबसाइट है या बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहां पे खाद बिकते हैं। ये लोग खाद कहाँ से बनाते हैं, कचरा से, जो कचरा हम लोग फेंकते हैं ना, जो सोना हम लोग फेंक देते हैं, खैर हमारे लिए हर बस की बात नहीं होती है, लेकिन हम चाहें अगर हम गार्डनिंग करते हैं, हमारे पास लॉन है, बगीचे है, तो हमारे ही घर से निकलने वाले कचरे से थोड़े से ज्ञान लेकर, स्किल्ड होके हम वो खाद बना सकते हैं जो सोना कहलाता है, ठीक है। तो ये खाद कितना अच्छा होगा ये डिपेंड करता है इस बात पे कि जिस खाद वाले गड्ढे में आपने खाद को डाला है, उस खाद में आपने कैसा मेटल डाला है, अच्छा डाला है, खराब डाला है, सड़ा हुआ डाला है, या आपने सॉलिड को वेस्ट लिक्विड मिक्स कर दिया है, इसके पे डिपेंड करता है जो खाद बनेगी कैसी बनेगी। कंपोस्टिंग दो तरीके से होता है, एक है एरोबिकली, जब ऑक्सीजन की मदद से हम चीजों को सड़ाते गलाते और खाद बनाते हैं, और एक होता है एनारोबिकली, एक होता है एनारोबिकली, यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब हम चीजों को फर्मेंट करते हैं, सड़ाते हैं, तो उसे कहते हैं एनारोबिकली। और कंपोस्टिंग जो है इसे कर सकते हैं मैन्युअल पिट करके, यानी गड्ढा खोद के वहां खाद को दफन करके जो है उस पर हम उसड़ने के लिए छोड़ सकते हैं, या वर्मी कंपोस्टिंग, जिसे हम लोग वॉर्म फार्मिंग, कीड़े मकड़ों के द्वारा भी खाद बनाते हैं, दोनों हम लोग पढ़ेंगे। तो वर्मी कंपोस्टिंग जहां हमको कीड़े मकड़े जर्म्स के द्वारा हम खाद बनाते हैं, मैन्युअल पिट जहां गड्ढे खोद के हम कचरे को अलग अलग लेयर में लाइक बिरयानीज हम लोग डालते हैं और खाद बनाते हैं। देखिए एरोबिकली जहां पे करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जिसे हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन या एरोबिक कंपोस्टिंग। यहाँ पे जो भी हमारा सड़ा गला लीव्स है, स्ट्यूज है, वुड मटेरियल है, जो भी आपका किचन से वेस्ट निकला है, जो फूड मटेरियल है ऑर्गेनिक है, उसमें जितने भी घास हुए, फूड स्क्रैप्स हुए, या कोई भी पहले का बचा हुआ खाद है, आप मिक्स कर दीजिए। ये मिक्स जो है इसके साथ पानी जाता है, हवा का यानी ऑक्सीजन इस पे असर डालता है,
ठीक है ना। और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो केचुए हो या कीड़े मकोड़े हो, दूसरे ऑर्गेनिजम्स हो, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आप ले लीजिए बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, माइक्रोस वायरस बैक्टीरिया हो गया, ये इन्हें विघटित करते हैं, मतलब डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं छोटे छोटे कणों में, और इतना छोटा कर देते हैं कि जो बन के निकलता है ये मिट्टी के लिए और मिट्टी में पनपने वाले पेड़ पौधों के लिए बहुत उपजाऊ होता है। ठीक है, तो ये हो गया जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एयर की उपस्थिति में इन सभी कारकों के द्वारा हम खाद बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो वो हो गया एनारोबिकली, जहां पे हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, ऑक्सीजन को हटा के हम चीजों को बनाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां क्या करते हैं, हम एक डाइजेशन बनाते हैं, एक डाइजेस्टिव बनाते हैं, एक ड्रम वगैरह हो गया, चाहे वो जमीन के अंदर हो या जमीन के ऊपर हो, सील रहता है, बंद रहता है, हाँ वहां से निकलने की जगह होती है नीचे में, इसमें जितने भी जानवरों के खाद हो गए है ना, या वेस्ट वाटर बायोसॉलिड्स हो गया, म्यूनिसिपल सीवेज हो गया, स्लज हो गया, जितना भी फूड का वेस्ट होता है रेस्टोरेंट से, घर से, कहीं से भी निकलने वाला, पोल्ट्री फार्म से निकलने वाला, दूसरे अदर ऑर्गेनिक चीजें, क्रॉप्स हो गया, फैट्स, ऑयल, ग्रीस, जो भी कुछ जो होता है वो सब इसमें डाले जाते हैं, लाए जाते हैं, डालकर यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है। फर्म इसे जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब हम लोग काम करते हैं, इसे फर्मेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन, सड़ता है, जैसे दारू, शराब, बियर, क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन से बनता है, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में फर्मेंट करके, फर्मेंटेशन करके, सड़ा के, इसको फाड़ के जो है इसे बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से जब ये बनता है, जब ये प्रोसेस होता है, तो क्या क्या चीजें निकलती है, सबसे पहले जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, जो यहाँ देखिए हम लोग को पढ़ना है, यहां हम बता रहा हूं मैं आपको, भर्मी कंपोस्टिंग, बायोगैस टेक्नोलॉजी, जो बायोगैस बनती है वो हम लोग यही समझ सकते हैं। ठीक है, हम लोग यही समझ सकते हैं, यहां पे सबसे पहले जो गैस बाहर निकलती है, जिसमें क्या क्या होता है, CH4, इसमें क्या क्या होता है, जिसमें होता है CH4, जिसे हम लोग कहते हैं मीथेन। ठीक है, ये एक फ्यूल है, क्या है ये, फ्यूल है, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों और बाकी गैसेस भी यहां से निकलती हैं। तो ये जो मीथेन है ये एक बायोगैस है, जैविक गैस है, जिसका जिसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, गर्मी पैदा करने के लिए, व्हीकल को फ्यूल देने के लिए, रिन्यूएबल नेचुरल गैस के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कई सारे पर्पज में घर में तो जो हम लोग यूज करते हैं, तो बायोगैस ही है, कहां से बनता है, ऐसे ही तो बनता है। ठीक है, और जो यहां से बाकी गैस को छोड़कर जो कुछ भी डाइजेस्टेड यहां से निकलता है खाद के रूप में, उसको हम लोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में जानवरों को फीडिंग करने के लिए, या दूसरे लकड़ी बनाने के लिए, आपको पता होगा एक होता है वुड, एक होता है प्लाईवुड और पेपवुड, ये जो पेपवुड होता है वो कुछ नहीं होता, इन्हीं को सड़ा गला के एक जगह कंपोस्ट करके सॉलिड करके जो बनाया जाता है बिल्डिंग मटेरियल, जो जितने भी बनते हैं ये पेपवुड कहलाते हैं, इन्हें बस पानी से आपको बचा के रखना है, लकड़ी ऐसे ही मजबूत होते हैं। ठीक है, क्रॉप में इरिगेशन करने के लिए, ठीक है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो है, फार्मिंग में दोबारा इस खाद को इस्तेमाल करने के लिए जो है, हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन से बनने वाली चीजें क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। मैन्युअर पीट मैंने कहा था, एक होता है मैन्युअर पीट, यानी कि जमीन में गड्ढे बना के और बिरयानी की तरह अलग अलग लेयर दे के जो है आप यहाँ पे खाद बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, गड्ढा खोद कर, एक होता है ब्राउन कार्बन, एक होता है ग्रीन नाइट्रोजन। इसमें क्या होता है, जो ये बेस्ट कंपोस्ट अगर बनाना है तो एक होता है ग्रीन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, ग्रीन यानी कि वेजिटेबल का ट्रिमिंग जो बच जाता है घर में, जो कचरा, जो सब्जी के टुकड़े, डंठल, पत्ती, जो भी बचता है, फ्रेश लीव्स हो गया, ग्रीन लीव्स या पंजिंग या ग्रास क्लिपिंग्स हो गया, जो घास आप काट देते हैं नीचे पड़े रहते हैं वो सब, टी बैग्स हो गया, कॉफी फिल्टर हो गया, खरपतवार जो निकलते हैं फसलों के अगल बगल, डेड फ्लावर्स हो गए जो झड़ जाते हैं या पूजा में यूज करते हैं जिसे आप फेंक देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रीन नाइट्रोजन, और दूसरा जो है जो हमारा ब्राउन कार्बन होता है, ब्राउन कार्बन का क्या मतलब होता है, ब्राउन कार्बन का मतलब होता है हमारा जो वेस्ट है, जो कचरा है, कार्डबोर्ड हो गया, डेड लीव्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गया, एक कार्टून्स हो गया, अनट्रीटेड वुड चिप्स हो गया, टॉयलेट का रोल्स हो गया, वुड ऐश हो गया, इन सबको मिक्स किया जाता है। इसमें क्या होता है, सबसे नीचे इसकी ग्रीन लेयर, फिर ये ब्राउन, फिर ग्रीन ब्राउन, ग्रीन ब्राउन दे के इस तरह का कंपोस्ट बनाया जाता है, और उस पर गैरोटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, GARROTA, गैरोटा। गैरोटा क्या है, एक क्या बुक है, वो कंपोस्ट मेकर है, यानी खाद बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं, यानी इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें माइक्रोब्स पाए जाते हैं, माइक्रोब्स यानी कि जैसे कि वायरस हो गया, वायरस तो नहीं बोलेंगे, ज्यादातर बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, फंगस हो गया, ठीक है, वायरस जो खाद बनाने के लिए जरूरत पड़ते हैं, फंगस हो गया, या एल्गे हो गया,
ठीक है, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, तो ये जो है क्या करते हैं, खाद बनाने की जो प्रक्रिया है ना उसमें कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, यानी खाद बनाने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। तेज कैसे करते हैं, तेज ऐसे करते हैं कि जितनी भी चीजें इसके अंदर है, बड़ी छोटी जो भी, इसको टूटने में और खाद बनने में महीनों, दो तीन महीने, चार महीने का समय लगता है। इस प्रक्रिया को तेज करता है कैसे, जितने भी सॉलिड चीजें होती हैं, बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, उनको बहुत जल्दी छोटे छोटे महीन टुकड़ों में बांट दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस क्या करता है, फास्ट कर देता है। दूसरा है वर्मी कंपोस्टिंग। इस तरह से वर्मी कंपोस्टिंग गांव में या आसपास देखे होंगे। ठीक है, तो वर्मी माने क्या होता है, वॉर्म। तो वर्मी कंपोस्टिंग कुछ नहीं है, वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, इज अ प्रोसेस विच इन विच द अर्थवर्म्स, यानी कि जो केचुए होते हैं, जो कीड़े होते हैं, कन्वर्ट द ऑर्गेनिक वेस्ट, जो जैविक, जो प्रकृति में मिल सकते हैं जैविक वेस्ट जो है, उसे खाद में बदलते हैं जिसका न्यूट्रिशनल कॉन्टेंट बहुत हाई होता है। यानी केचुए से बनने वाले जो मिट्टी होती है उसमें खाद, खाद यानी कि ह्यूमस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। एंड द अर्थवर्म इज एन ऑर्गेनिज्म, और ये जो केचुआ है एक एक, एक अर्थ ऑर्गेनिज्म है, जीव है, दैट एक्ट्स ऑन डेड एंड डीकेइंग मटेरियल, जो मरे हुए और सड़ रहे चीजों पे वर्क करता है, उसको क्या करता है, विघटित करता है, डिकम्पोज करता है, और क्या करता है, इससे सॉयल की जो उपजाऊ शक्ति है, सॉयल की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी बढ़ जाती है। इसलिए वर्मी कंपोस्टिंग, खाद बनाना, या वर्मी कल्चर को कहीं कहीं पे हम लोग बहुत जगह पे वॉर्म फार्मिंग भी कहते हैं, एक नंबर का आंसर हो सकता है। वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, इसके ऊपर भी सवाल आपको आ सकता है। तो वर्मी कल्चर मींस वॉर्म फार्मिंग। आगे देखते हैं बायोगैस। मैंने आपको बता दिया कि बायोगैस जो है एनारोबिक कंडीशंस में है ना, एनारोबिक बैक्टीरिया, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ये फर्मेंटेशन या रेस्पिरेशन कर सकते हैं, वहां पे चीजों को सड़ा के खाद बनाते हैं। तो बायोगैस हमने पढ़ा, जहां पे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है निकली जाती है, इसे लोग बायोगैस कहते हैं, और उसे फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, व्हीकल को चलाने के लिए, कई सारी चीजों को एनर्जी देने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, कचरे को हम रिड्यूस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल है स्कूल की, एक छोटी सी प्रोजेक्ट, जहां छोटे से डब्बे में हमने क्या डाला है, इनलेट गोबर। ये गोबर को डालने की जगह यहाँ गोबर डालिए, गोबर के सारे लिक्विड वगैरह जो है, गोबर जो है वो इस डाइजेस्टर, ये क्या कहते हैं इसे, कंपोस्टिंग, जहां खाद बनता है डाइजेस्टर में आएगा, यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे ये सड़ेगा, गलेगा, और ऊपर से क्या निकलेगा, गैस निकलेगी, और वो गैस क्या होती है, CH4। ठीक है, ये जो गैस बनती है क्या होती है, ये CH4 यानी मीथेन होती है, जो पाइप के जरिए आप बाहर निकाल के कुकिंग गैस के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब ये भर के यहां तक पहुंचती है तो जो लिक्विड या जो भी कुछ बनता है वो इस आउटलेट में जमा हो जाती है, और इसी का इस्तेमाल लॉन में, बगीचे में, खेत में खाद के रूप में स्प्रिंकल करते हैं, पेड़ पौधों के फल फूल शानदार और बहुत बड़ी मात्रा में वहां पे पनपते हैं। आपको किसी खाद की जरूरत नहीं है, आपके घर के लिए गैस ही बन गया, और आपके लॉन के लिए, खेतों के लिए खाद का भी काम हो गया। ठीक है, ये भी उसका एक मॉडल है, और ये स्कूल का बना हुआ एक क्या है, मॉडल है। तो ये हमने जो कराया उसी का एक तो मैंने बना दिया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं चार नंबर, रीयूज एंड रिसाइकलिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल, मैंने वो सॉलिड वेस्ट जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जो प्रकृति में मिल नहीं सकते, लेकिन इसे भी हमको रीयूज करना है, रिसाइकल करना है। सबसे पहला इसमें आता है पेपर। तो पेपर को रिसाइकलिंग करके उसको बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। ठीक है, और जो ये जो पल्प होता है जिससे कि पेपर बनता है, तो ये जो पेपर आप फेंक देते हैं, या आपके घर में बच्चे पढ़ लिए और उस पढ़े हुए किताब, पिछला किताब यूज नहीं हुआ, कॉपी यूज नहीं हुआ, तो जो पेपर वगैरह बच जाते हैं उसको पल्प बना के आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। ये आप में से बहुत लोग करते भी होंगे। प्रोसेस को काफी रिफाइन कर दिया गया है, इससे शोपीस वगैरह भी बनता है, कागज के पल्प का इस्तेमाल करके शोपीस बनता है, और ये शोपीस अच्छी अच्छी दुकानों में बिकती भी है। ठीक है, तो ये काफी सुंदर दिखता है। ठीक है ना, और काफी लकड़ी का भी जो है इसका एक विकल्प माना जाता है, क्योंकि इससे जो चीजें बनाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेपवुड कहते हैं, और पेपवुड का बहुत सारा फर्नीचर आजकल ऑनलाइन या आपके आसपास के दुकान में जो है अवेलेबल होता है, जो लकड़ी से काफी सस्ता और लकड़ी जैसा ही दिखने में सुंदर होता है। ठीक है, करते क्या है, सबसे पहले तो जो पेपर बच गया है इसको 3 से 4 दिन के लिए पानी में आप डुबा के रखिए, उसके बाद पेपर को निकालिए, उसको किसी ठोस जगह पे उसको पूरा घसीए, उसको आटे की तरह पूरा एकदम मसलिए, उसको पूरा पानी जो है उसको वहां से निचोड़ दीजिए, और उसमें मेथी के जो आटे होते हैं या कोई भी आटा या जो इमली के बीज का जो आटा होता है उसको मिक्स कीजिए, क्योंकि एक एडहेसिव, एक गम की तरह काम करता है। ठीक है ना, और उसका पल्प बना के जो है, जो मैसिरेट, इस तरह से आपने जो
मसल दिया है आटे की तरह, मैसिनेट करके जो है इसका डॉ बना लीजिए। डॉ बना के अलग अलग जो शेप और साइज में बच्चे जो स्कूल के सारे प्रोजेक्ट करते हैं या जो बड़े बड़े घर में जो आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते हैं, वो अलग अलग इस तरह के शेप्स में मोल्ड करके इसको धूप में जो है अच्छी तरह से इसको सुखा के जो है और इस पे कलाकारी और पेंटिंग करके शोपीस के रूप में फाइनेंशियली आप गेन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को बेच भी सकते हैं सिर्फ वेस्ट के जरिए। आपको थोड़ा स्किल्ड होना होगा, इसकी ट्रेनिंग लेनी होगी इस तरह से। और उसी सूरज की धूप में तपे हुए आपके जो आर्ट है उस पे सूखने के बाद जब वो ठोस हो जाता है तो उस पे अपने आर्टिस्टिक स्किल से यानी कि कलर करके उस पे कुछ आकृतियां बना के जो कि आप मार्केट में देखते होंगे कि नॉर्मल सेरामिक का कप है, प्लेट है, तो उसमें इतनी सुंदर चीजें आर्ट की होती है कि हम उसे खरीदने के लिए उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पेपर को भी रिसाइकल कर सकते हैं। और इसके आइडियाज तो बहुत सारे आप लोगों के पास ऑलरेडी है, तो इसके क्या क्या एडवांटेज है कि इससे आप गार्बेज को रिड्यूस कर सकते हैं, वेस्ट जो पेपर है इसको एक डिसेंट्रलाइज मैनर से आप इसको रिसाइकल करें, इससे आपको इनकम हो सकती है जो चीजें आप बेचेंगे, ऑनलाइन बेचे ऑफलाइन बेचे, ठीक है ना, खासकर फेस्टिवल्स में बहुत ज्यादा डिमांड होती है। और इससे जो पेपर को जो बर्न किया जाता है, क्योंकि उसका कोई निपटारा नहीं होता है, हम नहीं जानते हैं, हमारे पास वो स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, तो इसलिए उस वेस्ट को निपटारा करने के लिए क्या करते हैं, उसको जला दिया जाता है। और जहां उसे हम जलाते हैं हमारे एनवायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचता है, और इसके जिम्मेदार कोई नहीं, हम और आप ही है, है ना। सेविंग ऑन वुड आर्टिकल्स इन सम ऑफ द पल्प आर्टिकल्स कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वुड लाइक टीपॉय, सर्विंग ट्रेस, फ्रूट बास्केट के रूप में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर के चेयर बनते हैं, उसका तरीका होता है बनाने का, मिक्स करके उसके पल्प बना के हम जो है पेपुड वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। और ये प्लास्टिक का या दूसरे फाइबर का बहुत अच्छा और बहुत ही हेल्दी अल्टरनेटिव है, विकल्प है। और देखिए इससे कि लेकिन इसका लिमिटेशन ये है कि जो प्लाईवुड या जो पेपर बनता है, जो कि ये पेपर को भिगा के बनाया जाता है, इसको डायरेक्ट कांटेक्ट विद वाटर में नहीं आना चाहिए, वरना क्या होता है ये माइक्रोब्स लग के सड़ जाते हैं, तो ये बहुत जरूरी होता है। और रेनी सीजन में क्या होता है, इनके पल्प बनाकर इसके आर्टिकल बनाना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि हवा में बहुत नमी होती है जबकि हवा सूखी होनी चाहिए, तो ज्यादातर ड्राई सीजन में जो है अच्छी बनती है। इसके बाद है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक वो ऐसा चीज है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये बायोडिग्रेड नहीं होता, सरफेस वाटर को पोल्यूट कर देता है, इसका कोई प्रॉपर कलेक्शन या डिस्पोजल सिस्टम अभी तक तो पैदा हुआ नहीं है कि प्लास्टिक को कैसे डिस्पोज करें, ठीक है। और रैंडम देखते होंगे लोग आपके घर में ठंडे के महीने में अपनी दुकानों या घरों के सामने से कागज पत्ते वत्ते प्लास्टिक इकट्ठा करेंगे और आपके सामने आग लगा देंगे, इतनी घटिया दुर्गंध निकलती है जिसका कोई सीमा नहीं है, और इससे बहुत खतरनाक हेल्थ हैजार्ड तो होता ही है, हमारे एनवायरमेंट को भी खतरनाक इससे पोल्यूशन होता है। न्यूजेंस वैल्यू इन वेस्ट स्ट्रीम एंड ब्लॉकेज ऑफ ड्रेनेज, काफी मुश्किल है इसका इससे निजात पाना, और इससे ना केवल हमारी नदियां झीलें तालाब बल्कि हमारे घर से निकलने वाले गंदे पानी को ले जाने का जो नाला होता है, हमारे अपने करतूतों के वजह से इन्हें फेंकने के चलते नालों को ब्लॉक कर देते हैं और वहां से भयानक दुर्गंध, बीमारी, डेंगू, मलेरिया, फ्लू, मच्छर पैदा होते हैं, बच्चे देते हैं, फैमिली प्लानिंग सारे मच्छर यहीं पे आके करते हैं, ठीक है। और आपका जो घर होता है ना वही उनका फैमिली प्लानिंग वाला सेंटर होता है, जहां बच्चे पैदा करते हैं और आपको गिफ्ट देते हैं मलेरिया के रूप में, फ्लू के रूप में, अभी डेंगू चल रही है ना। तो सभी जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है इन सभी में गांव हो या शहर हो, सबसे बड़ा कंसर्न कौन है, हमारा प्लास्टिक है, ठीक है। प्लास्टिक को कई तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, इसको श्रेड करके, काट करके, कटिंग करके या बुनाई करके हम प्लास्टिक के रस्सी बना सकते हैं, प्लास्टिक के बैग बना सकते हैं, तकिया और चटाई बना सकते हैं, मैट्स बना सकते हैं, शो पीसेस बना सकते हैं, और प्लास्टिक को हम श्रेड करके बहुत सारे कोलतार बनाते हैं जिससे ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनाई जा सकती है, पक्की की जा सकती है, कई तरह से बहुत सारे ऐसे इनोवेशंस भी अभी किए जा रहे हैं जिससे प्लास्टिक से किस तरह से पेट्रोल जो है बनाया जा सके, इसके ऊपर भी इन्वेंशन चल रही है और इस एरिया को काफी एक्सप्लोर भी किया जा रहा है ताकि आने वाले जनरेशन के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में उनके लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज जो है उपलब्ध हो जाए, ठीक है। अब ये देखिए प्लास्टिक कैसे हम यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक के इतने शानदार शानदार नमूने, चिड़ियों के लिए अपने पानी के लिए जगह बना दिया है, अपने चिड़ियों के लिए घोंसला बना दिया है, उनके रहने के लिए अनाज के लिए बना दिया है, प्लास्टिक को इस तरह से सुंदर सुंदर डिजाइन, पेप्सी के बोतल किस तरह से आपने कन्वर्ट कर दिया,
किस तरह से आप उसमें घर में जो लगने वाले जो प्लांट है उसी प्लास्टिक के बैग में आपने रीयूटिलाइज किया, अब इसे फेंक देते तो कैसा लगता और अब कैसा लगता है, इसे फेंकते तो कैसा लगता अब कैसा लगता है, इसे फेंकते तो कैसा लगता बच्चों की पेंसिल बॉक्स बन जा रही है, ये बन जा रहा है, ये बन जा रहा है। बाहर जो आप पेंसिल बॉक्स खरीदने जाते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स खरीदने जाते हैं, तो क्या वो टाइटेनियम की बनी होती है, गोल्ड की बनी होती है कि सिल्वर की बनी होती है? प्लास्टिक की तो बनी होती है, लिखा रहता है मेड ऑफ प्लास्टिक। तो आप सोचिए कि वही कचरा है जो हम फेंकते हैं, और हमारे फेंके कचरे से कचरा जो इंडस्ट्रीज है इन कचरों को इकट्ठा करके हमें वापस भेजे, हमारे मुंह पे ही मार रही है, जबकि हम ऐसा कर सकते हैं। हालांकि बहुत बड़े पैमाने पे ये पॉसिबल नहीं, सबको ये स्किल नहीं है, लेकिन कर सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर सकते हैं ताकि पेड़ पौधे अच्छी तरह से यहाँ से उग सके, है ना। गिनी बैग बना सकते हैं, पिगी बैंक बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें, इससे सारी ये सारे प्लांट देखिए किस तरह से वॉल फार्मिंग हो रही है, इसमें मनी प्लांट उगाए जा रहे हैं। मनी प्लांट उगने के बाद इसी प्लास्टिक के बोतल में आप इसको सेल कर सकते हैं, 100, 150, 300, 400 पे आप देखिए अलग अलग साइड से मनी प्लांट अवेलेबल है, फल सब्जियां उगा सकते हैं, पेंसिल बॉक्स बना सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद है लैंडफिल, तो लैंडफिल में हम पढ़े, लैंडफिल में लैंडफिल तो पढ़ेंगे ही, साथ में इंसिनरेशन भी हम पढ़ेंगे। देखिए कंपोस्टिंग जब नहीं हो पाता है, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ कंपोस्टिंग रीयूज एंड रिसाइकलिंग कुछ वेस्ट जो है बच जाता है जिसे ट्रीट नहीं कर सकते, अनमैनेज होता है, ठीक है, और इसके लिए इसका प्रॉपर फाइनल निपटारा करना पड़ता है। और फाइनल निपटारा की अगर हम बात करें तो वो बच जाता है इंसिनरेशन, यानी कि जला देना चीजों को, या फिर कहीं पे ऐसे जगह पे एक रेक्लूज बहुत ही अलग थलग माने इंसान की आबादी से दूर एक जगह को जगह फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या म्यूनिसिपल अथॉरिटी के द्वारा, वहां पे जाके इन चीजों को डंप कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, इसे लैंडफिल कहते हैं, ठीक है। इंसिनरेशन जो इंसिनरेशन क्या है, एक तकनीक है जिसमें जो वेस्ट पैदा होता है अगर लैंडफिल की जगह नहीं है तो इसे एक स्पेशली इंजीनियर्ड मशीन में डाल के इसको जला दिया जाता है, जिसका तापमान 850 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर होता है। जी हाँ, इसे हम लोग इंसिनरेशन कहते हैं। इंसिनरेशन जो है इज नॉट सिंपली बर्निंग, बल्कि ये पूरी तरह से कंबशन, पूरी तरह से जला के राख बना देता है, यानी कि ऐश में कन्वर्ट कर देता है, कुछ बचता नहीं है, ठीक है। और यही जो इंसिनरेटर है, जो मशीन्स है, ये भी पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है, और ये सिर्फ वेस्ट के चलते ऐसा होता है। ये वेस्ट मैनेजमेंट करने का हालांकि बहुत ही अच्छा विकल्प तो नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बहुत सारी अनट्रीटेड रहती हैं जो कि खाद नहीं बन सकते, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो उसको ऐसा करना पड़ता है। लैंडफिल जो है एक प्रॉपरली क्या है, एक एरिया है जिसे डिसाइड करते हैं मानव आबादी से दूर, जहां पे वहां पे जो नॉन रिसाइकलेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सॉलिड वेस्ट होता है वहां फेंक दिया जाता है, और वहां पे जगह जो है पहाड़ की तरह हो जाता है। तो एक्चुअली इंसिनरेशन करने की जगह हम लैंडफिल कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई उपाय नहीं है तो, लेकिन इंसिनरेशन जो है जलाने की जो एक्टिविटी होती है बहुत ही खराब होती है। यहां अगर देखें तो ये देखिए कि जो लैंडफिल देख रहे हैं इस तरह, देखिए जो था किस तरह से पहाड़ बन गया, देखिए ये जेसीबी कहां पे जाके खड़ा है कि नहीं लैंडफिल। इसके बाद जो इंसिनरेशन होता है ये देखिए इस तरह से जो भी कूड़ा कचरा होता है वो यहाँ पे लाया जाता है, यहाँ से इसे पिकअप के जरिए उठा के इसे जलाने के लिए भट्टी में डाला जाता है, यहाँ से ये सारे 800 डिग्री सेल्सियस में कंबस्ट होता है, कंबस्ट होकर जो गर्म हवा निकलती है वो बॉयलर में आती है, पानी को उबालती है, उससे जो स्टीम निकलता है उस स्टीम से स्टीम टर्बाइन हीट इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, और जो एग्जॉस्ट गैस निकलता है उसे एग्जॉस्ट गैस क्लीनिंग में भेज के उस गैस को साफ करके साफ गैस को पर्यावरण में छोड़ा जाता है जो चिमनी के द्वारा निकलता है, और जो ऐश होता है उस ऐश को प्रोसेस करके लैंडफिल किया जाता है। क्या किया जाता है, दोबारा जो है लैंडफिल किया जाता है, या उसे खाद के रूप में कर सकते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज उसे फिर से क्या किया जाता है, लैंडफिलिंग किया, मतलब लैंडफिलिंग माने क्या होता है, जहां पे गड्ढे हैं, जहां पे जमीन बहुत नीचे है, उस जमीन को ऊपर लाने के लिए जो ऐश वगैरह जो निकलता है उससे लैंडफिल किया जाता है। तो ये हो गया हमारा इंसिनरेशन। एडवांटेज है कि जो नॉन रिसाइकलेबल सॉलिड वेस्ट है इसको हम से इसकी समस्या से छुटकारा हम पा सकते हैं। एप्लीकेबिलिटी है कि जो हमारा जो इंडिविजुअल हाउसहोल्ड है, घर है, कम्युनिटी है, यहाँ पे जो है प्रॉपरली इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप मिलकर इसके लिए लैंडफिल मेंटेन कर सकती है, उसको मैनेज कर सकती है, क्लब के मेंबर हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो जो भी चीजें जरूरत है सब यहाँ दिया हुआ है। और यहाँ पे लिमिटेशंस ये है कि यहाँ पे कैटल या जो चरने वाले जो गाय बकरी भैंस होते हैं इसको एनसर्कल करना मतलब घिरवा देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये जो जानवर है वहां जाके वहां चरना स्टार्ट कर देंगे, बीमार होंगे, बीमारी मानव की आबादी तक लेके आएंगे, ठीक है। तो इससे बचना चाहिए।
इसके अलावा टाइप्स ऑफ वेस्ट में हम लिक्विड देखते हैं। लिक्विड भी जो है एक वेस्ट है जो कि नॉन सॉलिड फॉर्म में होता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। और कुछ सॉलिड वेस्ट कैन ऑल्सो भी कन्वर्टेड लिक्विड वेस्ट। और बहुत सारे सूखे ठोस कचरे ऐसे होते हैं जिन्हें लिक्विड के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स पॉइंट्स ऑफ जहां से ये पैदा होता है, या इनडायरेक्टली जहां से पैदा नहीं होता बल्कि कहीं से ये आता है, पाइप के जरिए, वेस्ट वाटर के जरिए, फैक्ट्री के जरिए, कारखानों के जरिए ये आता है, ठीक है। तो जैसे कि लिक्विड वेस्ट इंक्लूड वॉश वाटर फ्रॉम घर से निकलने वाले, टॉयलेट से निकलने वाले, किचन से निकलने वाले, लिक्विड वेस्ट फॉर क्लीनिंग इंडस्ट्रीज में या खेतों में इरिगेशन के काम के लिए, या जो डिटर्जेंट हम इस्तेमाल करते हैं, ये सब इसका एग्जांपल हो गया। इसको अब यहां देखिए, ये जो लिक्विड वेस्ट है ये पब्लिक, बहुत ही मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है लिक्विड वेस्ट, ठीक है। जो क्योंकि जो पानी जो एक जगह जमा हो जाता है, जो स्टेग्नेंट वाटर है, यानी स्टेग्नेंट वेस्ट वाटर जो है, ये बहुत ही खराब गंध करता है और ये मच्छर मक्खी के लिए ब्रीडिंग प्लेस होता है, यानी बच्चों को जन्म देने की बेहतर जगह होती है, आबादी बढ़ती है, फैमिली प्लानिंग करते हैं ये, और डेंगू मलेरिया और फिलेरिया फ्लू जैसी खतरनाक बीमारी आपको गिफ्ट में देते हैं, ठीक है। इनका प्रॉपर डिस्पोजल करना जो है बहुत जरूरी होता है, ताकि जो पानी की कमी है हम उसको भी ट्रीट कर सके और बीमारियों से भी हम लड़ सके। सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर क्या होता है, हम लोग का टॉयलेट हो गया, बाथरूम हो गया, वॉशिंग करते हैं कपड़ों को, या किचन के जो भी काम है, सॉरी, इसके बाद इंडस्ट्री, कॉमर्शियल बिजनेस एक्टिविटी हो गया, फार्मिंग हो गया, मार्केट प्लेस हो गया, एस्टेब्लिशमेंट हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, एक्टिविटीज हो गया, आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटी जहां पे पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वहां से ये वेस्ट वाटर निकलता है। अब ये जो है इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक को कहते हैं ग्रे वाटर और एक कहते हैं ब्लैक वाटर, ठीक है। ब्लैक वाटर बहुत खतरनाक है। ग्रे वाटर जो होता है इज वेस्ट वाटर जो हमारे बाथरूम या कपड़े के धोने से या किचन से जो निकलता है, इसे हम लोग ग्रे वाटर कहते हैं। और डिपेंड करता है इसके इस्तेमाल के ऊपर, इसको कम ट्रीटमेंट करके भी, है ना, ब्लैक वाटर को तो बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसको कम ट्रीटमेंट करके भी, क्योंकि इसके अंदर जो पैथोजेंस होते हैं, यानी कि जो वायरस बैक्टीरिया जो माइक्रोब्स होते हैं कम होते हैं, तो कम ट्रीट करके भी इसको रीयूजेबल बनाए जा सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग बागवानी करने के लिए, जानवरों को पालने के लिए, या किचन गार्डनिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि जो ब्लैक वाटर जो है ये क्या होता है, पानी होता है जो हमारे टॉयलेट से निकलता है, जो पीट होता है ना, जो लैट्रिन का पीट होता है उसमें से निकलता है, और इसमें बायोलॉजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, ब्लीचिंग वगैरह करने की जरूरत है, ताकि इसको रीयूज करने से पहले इसको डिसइंफेक्ट कर सके, यानी कि जो कीड़े मकोड़े माइक्रोब है इसको मारा जा सके। अब देखिए टॉयलेट, अब कौन कौन से कैटेगरी के हैं, तो टॉयलेट आपका ब्लैक वाटर हो गया, हर आदमी एक दिन में 3 लीटर पैदा करता है। बाथिंग नहाना ग्रे वाटर हो गया, 20 से 30 लीटर एक आदमी। किचन से निकलने वाला जो पानी है वो ग्रे वाटर है, वॉशिंग क्लोथ ग्रे वाटर है, एनिमल से निकलने वाला ग्रे वाटर है, और किचन से 5 से 10 एक आदमी के जरिए। वॉशिंग जो कपड़े धोते हैं एक आदमी एक दिन में 15 से 20 लीटर पैदा करता है पानी, और एनिमल से 10 से 15 लीटर, ठीक है। ये कैटेगरीशन है, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विड वेस्ट को कैसे डिस्पोजल करें, क्या क्या टेक्नोलॉजी है इसके लिए, तो इट विल ऑलवेज बी बेटर टू मैनेज एंड ट्रीट डोमेस्टिक ग्रे वाटर जनरेटेड इन द हाउस इन द एरिया कॉटवर्ड लैंड सराउंडिंग द हाउस। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल हम लोग अपने आसपास के एरिया में कर सकते हैं, उन ग्रे वाटर को जो हमारे घर से निकलता है। हम किचन गार्डन में पाइप रूट जोन सिस्टम कर सकते हैं, या विदाउट पाइप रूट जोन सिस्टम कर सकते हैं। ये क्या है एक्चुअली, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, फिर भी आप जानिए इसके बारे में। लीच पीट कर सकते हैं, सोकेज पीट कर सकते हैं, 4 तरीके हैं ग्रे वाटर को ट्रीट करने का। इसमें किचन गार्डन विद पाइप टू सिस्टम में क्या होता है, इस मेथोडोलॉजी में जो ग्रे वाटर हमारे निकलता है बाथरूम से, कपड़े धोने से, नहाने से, इसका इस्तेमाल साग सब्जी फूल फल को अपने बगीचे में उगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास एक कोर्टयार्ड होना चाहिए, एक लॉन होना चाहिए, ठीक है। इसका एडवांटेज यह है कि ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही सस्ता है, है ना। 100% यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर को आप कर सकते हैं इस्तेमाल वेजिटेबल फ्रूट्स को करने के लिए। पानी को जमने की समस्या से आप निजात पा सकते हैं, किसी तरह का मच्छर मक्खी बैक्टीरिया पैदा नहीं होगा, क्योंकि आप पानी को जमने नहीं दे रहे हैं, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक है किचन गार्डन विदाउट पाइप रूट, जहां पे बहुत ज्यादा पाइप का एक जाल नहीं होता, एक सिंगल पाइप होता है, उसका इस्तेमाल करके भी आप वेजिटेबल फ्लावर फ्रूट को जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं
बहुत सिंपल सा इंस्टॉलेशन होता है, इसमें ग्रीस ट्रैप लगता है सिल्ट कलेक्ट करने के लिए, सिंपल बेड जहां पे आप पानी को, पानी आपका एब्जॉर्ब हो जाए वो बेड चाहिए, जमीन का टुकड़ा चाहिए, और ग्रे वाटर जो क्या करता है डायरेक्टली उसमें फ्लो हो जाता है ताकि पूरे जमीन पे पानी जो है फैल जाए लाइक इरीगेशन। तो वेजिटेबल फ्लावर आप इसको उगा सकते हैं। ये है आपका किचन गार्डन विद पाइप टू ड्रोन सिस्टम, जो आपके जो पानी जो आ रहा है उसके जरिए आप किस तरह से अलग अलग बेड पे आप खेती वगैरह कर सकते हैं या लॉन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेप्टिक टैंक है जो जमीन के अंदर है एक्चुअली में, और किस तरह से उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। ये है किचन गार्डन विदाउट पाइप टू ड्रोन सिस्टम, जिसकी तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके नॉलेज के लिए की चीजें होती कैसी है, दिखती कैसी है। ये आपका लीच पीट हो गया, जो हॉनीकम जो मधुमक्खी के छत्ते की तरह जो है इस तरह से बाइफर्केट हो जाती है चीजों को अलग अलग करने के लिए। ये हो गया आपका सोक पीट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका जो वेस्ट है उसका कई तरह टाइप है। पहला है हैजार्डस, जो बहुत खतरनाक है। हैजार्डस का मतलब हो गया वेरी हार्मफुल। ये वो होते हैं जो पब्लिक हेल्थ या एनवायरमेंट के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। और ऐसे जो वेस्ट होते हैं वो इन्फ्लामेबल भी होते हैं। इन्फ्लामेबल का क्या मतलब होता है, जिसमें आग लग सकती है, कैन इजीली कैच फायर। रिएक्टिव हो सकते हैं, मतलब एक्सप्लोड कर सकते हैं, फट सकते हैं। कोरोसिव हो सकता है, मतलब जो अगर किसी स्टील या मेटल के साथ अगर जुड़े तो उसे जंग लगा सकती है, ठीक है। इजीली ईट थ्रू मेटल। टॉक्सिक यानी कि पॉइजनस हो सकती है। बहुत सारे कंट्री में तो इसके लिए लॉ बनाए गए हैं कि किस तरह से हैजार्डस वेस्ट को आपको डिस्पोज करना है, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, प्रोपेन का टैंक है गैस का, फेस्टिसाइड्स है माने कीटनाशक दवाएं हैं, मर्क्यूरी कंटेनिंग इक्विपमेंट है जैसे कि थर्मोस्टेट हो गया, थर्मोमीटर हो गया, लैंप हो गया, इसमें फ्लोरेसेंट बल्ब होता है, बैटरीज हो गए, ये सारे बहुत ही इन्फ्लामेबल चीजें हैं जो कि इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया हुआ है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ वेस्ट में ऑर्गेनिक भी होता है। एक होता है हैजार्डस, इन्फ्लामेबल, कोरोसिव, पॉइजनस, टॉक्सिक हो गया, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब जैविक, प्रकृति से निकली है और ये दोबारा कन्वर्ट हो जाती है प्रकृति के रूप में, खाद के रूप में हम प्रकृति को वापस कर देते हैं, फिर प्रकृति हमें फल फूल दे देती है, फिर हम उसको रिसाइकल कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें प्लांट्स, एनिमल सोर्सेस जैसे कि फूड वेस्ट, फ्रूट, वेजिटेबल, पील्स, फ्लावर, ट्रिमिंग्स वगैरह, डॉग के पूप भी इसमें शामिल होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट भी हमारे पूप भी शामिल होते हैं, ठीक है। और मेनी पीपल जो है इन ऑर्गेनिक वेस्ट को जो है कंपोस्ट यानी खाद में कन्वर्ट करते हैं, जो हमने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद रिसाइकलेबल टाइप भी होते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, फाइबर हो गया, हम इसको रिसाइकल कर सकते हैं। वेस्ट दैट कैन बी पोटेंशियली रिसाइकल सिस्टम रिसाइकलेबल वेस्ट, रिसाइकल कर सकते हैं उसे रिसाइकलेबल वेस्ट कहते हैं। एल्युमिनियम के प्रोडक्ट हो गए, सोडा, मिल्क, टोमेटो कैंस, प्लास्टिक हो गया, ग्लास के प्रोडक्ट हो गए, पेपर के प्रोडक्ट हो गए, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। तो ये था हमारा आज का वेस्ट मैनेजमेंट क्लास, जो आपके WBTET के सिलेबस में स्पष्ट दिया हुआ है वेस्ट मैनेजमेंट। इसके ऊपर भी MCQ क्लास आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट दें, क्योंकि हमें भी आपके प्यार, मोहब्बत और साथ की जरूरत है, कि हम भी चाहते हैं कि हमें भी पूरे भारत में, पूरे विश्व में लोग जाने कि हम किस तरह की क्लासेस देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर ले, नए हैं तो, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि जो भी क्लासेस बन रही है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ताकि एग्जाम्स के पहले आप इसकी बेहतर प्रिपरेशन कर सके, ठीक है। तो आज का क्लास यहां तक ही, अगले मिलेंगे आपसे वेस्ट मैनेजमेंट में MCQ क्लास में, तब तक रखिए अपने ख्याल। थैंक यू।